हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनी ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो मैं हूँ हनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन टाइटनिंग के बारे में। स्किन टाइटनिंग जो है, एज की वजह से भी स्किन लूज होने लगती है और काफ़ी सारे लोगों को कम उम्र में भी स्किन लूज हो जाती है और अनइवन दिखता है। उसके ऊपर डार्क स्पॉट, पिंपल्स, एक्ने भी आ जाती हैं और चेहरा भी बहुत अजीब दिखने लगती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेचुरल वे से स्किन को कैसे टाइटनिंग करना है और स्किन के ऊपर रिंकल्स, फाइन लाइंस को हटा के स्किन को टैन फ्री कैसे रखना है, इस वीडियो में आपको दिखाने वाली। तो अच्छी रिजल्ट के लिए वीडियो को इन तक देखिए। अगर आपको भी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकती हूँ। आपके कमेंट को पढ़ के मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिक्वेस्टेड वीडियो बना देती हूँ और उस वीडियो के अंदर मैं आपका नाम भी मेंशन कर देती हूँ। सो इसके लिए आप मेरे चैनल को हमेशा फॉलो कीजिए। सो चलिए वीडियो को देखते हैं। अभी इस रेमेडी के लिए, स्किन टाइटनिंग मास्क के लिए, हमें एक क्लीन बाउल लेना है। क्लीन बाउल में हमें ऐड करना है बेसन का आटा। इसमें हम ऐड करना है 2 चम्मच बेसन का आटा। बेसन का आटा ग्राम फ्लोर, ये अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, शरीर के ऊपर सारे कालेपन दाग को मिटा के स्किन को टाइटनिंग ब्राइटनिंग करता है। इसलिए मैं बेसन का आटा ले चुकी हूँ। और इसमें हमें ऐड करना है आधा कटा हुआ नींबू का रस, क्योंकि बेसन और नींबू अपने स्किन चेहरे के ऊपर टैनिंग को रिमूव करता है। बेसन नेचुरल उपटन की जैसा काम करता है, इससे अपना स्किन टोन भी बढ़ेगा और स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा। इसलिए मैं बेसन का आटा ले चुकी हूँ। चीज़ को अच्छे से मिलाना है। आप आधा काटा हुआ नींबू का रस लेने से काफ़ी है। देखिए, इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। इसमें याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना चाहिए। और इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है हनी। मैं यहाँ पे हनी ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, क्योंकि हनी स्किन को टाइटनिंग करता है। अगर आपका स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स, पिंपल, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है, तो उसको भी हटा देती है हनी। आप इसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करके मिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि रोज़ वाटर से अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा और इससे अपना स्किन भी टाइटनिंग ब्राइटनिंग होता है। इसलिए मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। याद रखिए, इसमें पानी ऐड मत कीजिए। अगर आपके पास रोज़ वाटर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह नींबू का रस ही ऐड कर सकती हो। इसको थिक फेस जैसा बना लेना चाहिए। और पैक अपना स्किन को टाइटनिंग ब्राइटनिंग करने के साथ ही साथ इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा और नेचुरल बेसन अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करने से ये अपना स्किन को टाइटनिंग ब्राइटनिंग बनने के साथ ही साथ स्किन भी बहुत गोरा होंगे और गोरा होने के लिए एक बेस्ट तरीका है। अभी इसको चेहरे के ऊपर कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताऊँगी। अभी इस पैक को अप्लाई करने के पहले चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करके पहुँचने के बाद इस पैक को ऑल ओवर फेस के ऊपर अप्लाई करना है। इसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड कर चुकी हूँ। रोज़ वाटर नेचुरल टोनिंग करता है स्किन को। चेहरे के ऊपर टैनिंग है, डस्ट है, उसको हटाता है रोज़ वाटर। इसलिए मैंने रोज़ वाटर ऐड कर चुकी हूँ। अगर आप हर रोज़ चेहरे के ऊपर रोज़ वाटर इस्तेमाल करोगे, इससे अपना स्किन जो है टैन फ्री रहेगा और नेचुरल टोनिंग भी अपने चेहरे को मिल जाता है। और इसमें मैंने यूज़ किया हूँ नींबू का रस। नींबू में विटामिन सी रहता है और सिट्रिक एसिड रहता है। ये अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन है तो नींबू अपना स्किन के ऊपर इस्तेमाल करने से अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन दूर हो जाती है। और इसमें दूसरा चीज़, मैं हनी भी ऐड कर चुकी हूँ। हनी इसलिए ही अपना स्किन को टाइटनिंग ब्राइटनिंग करता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, तो उसको भी रिमूव करता है। इसलिए मैं हनी ऐड कर चुकी हूँ। और इसमें बेसन का आटा, ये अपने स्किन को नेचुरली साफ करता है, चेहरे को टैन फ्री रखता है। तो इन सारे चीज़ जो है सबको घर में अवेलेबल होता है और इसे बनाना और अप्लाई करना बहुत आसान है। तो आप इस तरह फेस और गले के ऊपर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके ये सूखने तक छोड़ दीजिए। ये सूखने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट तो टाइम लगता है। जब ये सूख जाएगा, चेहरे को हल्का सा पानी से गीला करके सर्कुलर मोशन में मसाज करते वक्त रिमूव कीजिए। इसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश आउट कीजिए। याद रखिए, फेस वॉश यानी कि साबुन यूज़ मत कीजिए, नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। ऐसे करने से चेहरे को नेचुरल मॉइस्चराइज़र मिलता है और स्किन भी साफ होगा, टाइटनिंग भी दिखेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज की मेरी स्किन टाइटनिंग वीडियो। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसके आंसर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती हूं मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।